নাম আশিস, মে কর্ডিয়াল এন্ড পাবলিকেশন সে বলা তো ইউটিউব চ্যানেল বিচন্দলি আপনি দেখা হোক কি বলসা লোক ও কি শাদি করতে আতে তো কুণ্ডলি মিলাতে হেঙ্গে তো কুণ্ডলি মিলানা আচ্ছা হ্যাঁ ইয়া বুরা উসকে বারে মে আপন আজ বাত করনে ওয়ালা হ্যায় তো জেনারেলি দেখেঙ্গে কি আর কুণ্ডলি মিলান কিয়া জাতা হ্যায় জেনারেলি আপ দেখেঙ্গে তো 36 গুণ হতে 36 মে সে লোক বলতে কি 8 গুণ কে উপর হো তো কুণ্ডলি মিলান কিয়া জাতা তো আচ্ছা মানা জাতা হ্যায় अभी ऐसा कुंडली मिलान काय के लिए किया जाता है। जनरली आप देखेंगे कि कुंडली मिलान इसके लिए किया जाता है कि ईगो प्रॉब्लम नहीं आए, जैसे सामने वाले सब उसको अभी लोग क्या जनरली अभी जनरली लोग क्या कहते हैं, बस 18 गुण देख लेते हैं, बोलते चलो 18 गुण मिल गए तो कुंडली मिल गई, 36 में अगर 18 गुण मिल गए तो कुंडली मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें हर एक पार्ट को देखना चाहिए एक्चुअल में कि ना सही कुंडली मिली या नहीं मिली। सब इसको 18 गुण मिले, लेकिन कुछ पार्ट में जैसे ईगो की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। अभी इससे ईगो प्रॉब्लम भी देखा जाता है कुंडली मिलान में कि ईगो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो ईगो प्रॉब्लम होगी तो सब इसको सामने वाले के झगड़ा हो गए। अभी जनरली तो कॉमन चीज है फैमिली में झगड़ा होना, तो झगड़ा हो गया तो वो कौन झुकेगा, सपोज को समझदार होंगे तो एक दूसरे को झुकते बैठेंगे, कभी ये झुकेगा कभी वो झुकेगा, कभी कोई आग बनेगा कोई पानी बनेगा, तो कोई ना कोई झुक जाएगा, लेकिन दोनों ही आग बन गए तो दोनों ही नहीं झुकेंगे। तो ईगो क्लेशेस में सपोज को मायके चले गए तो लेने ही नहीं आएगा और वो कभी आएगी नहीं, तो हमेशा के लिए केस ख़त्म हो जाएगा, फिर वही डिवोर्स हो गया, फिर बातें चालू हो जाएगी। तो इससे अपने को ये भी देखना पड़ता कि ईगो हो गया तो नहीं होगा, ईगो के क्लेश तो नहीं हो रहे, उससे वो मालूम चलता है। दूसरा ये होता है कि अभी डोमिनेंट्स मालूम चलता है, ऐसा सोच को किया कोई उनमें जैसे कोई बहुत झगड़ालू औरत या आदमी झगड़ालू तो नहीं है, ऐसा सोच को दोनों को क्रॉस आ गया, एक आदमी बहुत अच्छा है बहुत सीधा साधा सज्जन आदमी है और दूसरा आदमी या औरत झगड़ा लू हेंगे, तो वो दिन भर झगड़े करते बैठेंगे ना, आदमी घर जाने की सोचे उसके बजाय घर जाने के बजाय वो सोचेगा यार चलो थोड़ा वो काम कर ले या थोड़ा घूम घाम के आए, उससे झगड़ा करने के बजाय शांति चाहिए आदमी को तो वो नहीं मिलेगी नहीं। तो इससे ये भी मालूम चलता कि आदमी झगड़ा लू तो नहीं है, तो ये भी मालूम चलता है। दूसरा इससे भी ये भी मालूम चलता है कि हेल्थ हो गया किसी से की, सब उसको शादी के बाद आप कभी कभी देखेंगे तो किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ इशू भी हो जाते हैं, कोई बहुत बीमार पड़ जाता है कोई नहीं होता है, तो इससे ये भी मालूम चलता है कि यार हेल्थ वगैरह के इशू तो नहीं होंगे। तो सर ये मालूम होता है कि यार दोनों के बीच में प्रेम होगा कि नहीं होगा। अभी शादी एक्चुअल में मन का मिलान होता है ना, शादी बोले तो मन मन मिलना चाहिए एक्चुअल में, मन मिस दिमाग नहीं दिल मिलना चाहिए, तो शादी में सब उसको मन ही नहीं मिलेगा तो मुश्किल हो जाएगी, उसको कुछ को तकलीफ है या कोई स्वार्थी बन जाएगा, अपना अपना ही देखेगा, उसके बदले दूसरों के बदले प्रेम ही नहीं दिखाएगा, कुछ तकलीफ हो गई तो छोड़ के चले जाएगा। और इसमें ऐसा भी देखते हैं कि यार प्रेम है कि नहीं, प्रेम जरूरी होता है ना शादी में, प्रेम नहीं होगा तो प्रेम के लिए वो आदमी सब उसको बीमार गिर गए तो उसको देखभाल करेगा, बच्चा बीमार हो गया तो उसकी देखभाल करेगा, उसका एजुकेशन वगैरह के लिए कुछ काम करेगा। अरे प्रेम ही नहीं होगा तो बोले जाए चूल्हे में जाए, बच्चे बीवी वगैरह चूल्हे में जा तो क्या है, स्टेप्स हो जाएगा, बीवी भी अपने इसमें कभी प्रेम नहीं होगा तो अपने इसमें लगी रहेगी, काम धाम उसके इसमें किटी पार्टी वगैरह उसी में लगी रहेगी, और प्रेम ही नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो प्रेम मेन चीज़ है कि तो उससे मान चलता कि अब प्रेम होगा कि नहीं होगा। अभी इसमें बहुत सारे झगड़े तो नहीं होंगे ये भी मालूम चलता है। दूसरा यह था कि यदि बच्चे होंगे कि नहीं ये भी मालूम चलता है, या बच्चे में कुछ दोष तो नहीं होगा, उसको बच्चे होने की प्रॉबिलिटी वगैरह है कि नहीं। अब इसमें श्योरिटी नहीं होती कि इससे बच्चे के नहीं, दूसरे काउंट भी किया जाता है, जैसे हाथ से भी आप देख सकते हैं कि बच्चा होगा कि नहीं, सपत्तिका से भी देख सकते हैं कि बच्चा होगा कि नहीं, तो भी आप इससे रफली अंदाज ले सकते हैं, लेकिन बच्चा होने के लिए अच्छा रहता है ना कभी वो भी अकाउंट होता है, या हाथ से भी देख सकते हैं कुंडली से भी देख सकते हैं कि बच्चे हो गया होगा कि नहीं, तो वो भी देखा जाता है। दूसरा ये देखा जाता है कि आदमी है ना गुस्से मांगलिक दोष है कि नहीं, ये मांगलिक दोष बोले तो क्या होता है कि
आदमी मंगल वाला होगा, सब उसको आदमी मंगल वाला होगा या औरत मंगल वाली होगी, तो उसको बहुत गुस्सा आएगा। गुस्सा भी कैसा आएगा, हाइपर देगा, हाइपर देगा बोले तो आदमी को सब उसको गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आता है कि वो उठा के कोई भी चीज़ मार देगा, हिंसा पे उतार हो जाएगा। या औरत आदमी आजकल तो ऐसा कुछ कॉमन ही हो गया, तो कोई भी आदमी औरत हिंसा करने पर उतार हो जाएंगे। और जनरली कैसा होता है, इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा देगी इसमें, तो उसको भी दिखाता है, बेड को भी दिखाता है ये मंगल, क्या उसका बेड बेड पे रिलेशन हो गया कैसे होंगे, तो उस पर भी देता है। तो मंगल इसलिए उसको भी गौर किया जाता है कि मंगल दोष मैच करता है कि नहीं, सब उसको एक आदमी का मंगल है उसकी भावना बढ़ती है, लेकिन वो सामने वाले में मंगली है ना, वो भी गुस्सा वाला, वो भी गुस्सा वाला, दोनों आग आ गए तो चल जाएगा, लेकिन एक जना आग और एक पानी है तो फिर उसको सहन करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है जैसे झगड़ा हो जाए, वो मार कुटी में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, उसके लिए कुंडली मिलान गुण मिलान किए जाते हैं। अभी सब उसको आप जनरली लोग क्या करते हैं, 18 गुण पे ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन 18 गुण से कुछ नहीं होता, आपको कम से कम 4 गुण चाहिए होते हैं, और कुछ भी चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहे तो हम भी कुंडली मिलान का काम करते हैं, गुण मिलान का काम कर, कुंडली मिलान, गुण मिलान और दूसरी चीज़ें भी देखते हैं इसमें कुंडली के हिसाब से, तो आप हमें भी दे सकते हैं आपका नाम एड्रेस जो, वो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी आप दे सकते हैं। आपकी शादी कब होगी ये भी हम बताते हैं, तो आपका डेट ऑफ बर्थ फोटो, इधर के हाथ की रेखा, आदमी होता इधर का, वो गर्ल्स होता इधर का हाथ की रेखा देने का, तो उनसे हम शादी वगैरह भी बताते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ्री में चाहते हैं, लेकिन ऐसा फ्री में हमारे यहाँ सर्विस नहीं है, तो आप कभी पेड करने वाले हो तो ही कॉल करें, या तो ही ईमेल आईडी पर, हमारे नीचे ईमेल आईडी है उस पर आप भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तो आपको आइकॉन में, यूट्यूब के आइकॉन में दिखता रहेगा सब नया वीडियो आया तो, और लाइक कीजिए, कभी आपको लाइक किया तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा इसी टाइप की वीडियो और बनाएंगे, और कमेंट कीजिए, कभी आपको समझ में आता क्या कुछ पूछने का तो पूछ सकते हैं।